करप्शन के खिलाफ यूपी में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरफ खाकी पर एक्शन चल रहा है तो दूसरी तरफ प्रदेश के कई जिलों में आरटीओ विभाग के दफ्तरों में छापेमारी की कार्रवाई हुई। इस एक्शन के पीछे की वजह भी है क्योंकि एआरटीओ ऑफिस में बिचौलिए और दलाल जो वसूली का खेल खेल रहे थे उस पर विभाग खुद लगाम नहीं लगा पा रहा था और ऐसे में सीएम योगी के आदेश पर अब डीएम और एसपी को खुद मैदान में उतरना पड़ा है और प्रदेश भर में जगह जगह एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। करप्शन के खिलाफ सीएम योगी सख्त, यूपी में एक्शन जबरदस्त। सीएम योगी ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसी भी सरकारी कार्यालय में दलाल या बिचौलिया मिले तो उन पर कार्रवाई तो होगी ही, अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। सीएम योगी के इस आदेश के बाद यूपी के परिवहन विभाग समेत कई विभागों में अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं और ये एक्शन रुकने वाला नहीं है। कैबिनेट मंत्री भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हमारी सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तभी तो आज पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गए हैं और कार्रवाई किया है। हमारी सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। एआरटीओ विभाग में बिचौलियों की शिकायत के बाद सीएम योगी के आदेश पर ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर चल रहा है। कई जिलों में एआरटीओ विभाग में रेड पड़ी है जिसमें बरेली, महोबा, हाथरस, बाराबंकी, गोरखपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और महाराजगंज जिले शामिल हैं। फतेहपुर में एआरटीओ में जिलाधिकारी ने छापा मारा तो यहां ऑफिस के दोनों तरफ अवैध रूप से खुली दुकानों को देखकर वो हैरान रह गई। जिलाधिकारी को देखते ही ऑफिस के बाहर बैठे दलाल अपनी अपनी दुकान बंद कर फरार हो गए जबकि कई लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। दरअसल लगातार मिल रही शिकायतों पर डीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई है। दोनों तरफ बहुत सारे दुकाने खुला हुआ है, जैसे ही हम लोग पहुँचे सब लोग अपना ताला लगा के भाग गए। तो इससे बिल्कुल इन लोगों का जो व्यवहार है, इन लोगों का जो तरीका है संदिग्ध है और सब लोगों का भी है और पुलिस को भी निर्देशित दिया गया है कि उन लोगों का जो नेम से 6 दलालों को पुलिस और प्रशासन ने हिरासत में लिया। दरअसल लगातार मिल रही शिकायतों के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दलालों के जरिए अवैध वसूली का खेल खेला जा रहा था। गेट बंद कर अधिकारियों ने छापेमारी की तो 6 संदिग्ध ऐसे थे जो कुछ बता ही ना सके कि वो किस लिए ऑफिस में मौजूद थे। कुछ ऐसा ही हाल बाराबंकी के आरटीओ ऑफिस का भी था जहां बाहर लगातार दलालों की दुकानें सालों से धड़ल्ले से चल रही थी, जहां लोगों से आरटीओ ऑफिस में काम करवाने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। सीएम योगी के आदेश और लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई होते ही दलाल दुकान बंद कर भाग खड़े हुए। इसके बाद आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी हाल में बिचौलियों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये सूचना मिली थी और समय समय पर आप देखे होंगे पूर्व में भी कार्रवाई की गई है। आरटीओ कार्यालय पर कुछ अवांछनीय तत्व बैठ के और गलत तरीके से भ्रमित करके लोगों को काम कराने के नाम पर पैसा वसूल के इनका डीएल या गाड़ी का फिटनेस और रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं। ये चूँकि जनता के नज़रिए से बहुत ही गलत चीज़ है, अनावश्यक जो है इनका एक तरह से उत्पीड़न भी हो रहा है। इन सभी की रोकथाम के लिए आज ये रेड पड़ी है जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग लाए गए हैं। इनको लिया गया है पूछताछ के प्राथमिक बाद, अभी इनका सत्यापन और कर लेंगे और इनके संबंध में आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ आप बगल में एक सज्जन बैठे हुए हैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करते हैं जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है, इसके विषय में सीएमओ सर को भी अवगत कराया गया है। सीएम योगी के आदेश के बाद गोरखपुर में भी कार्रवाई हुई है जिसमें आरटीओ ऑफिस से 2 बिचौलियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं हाथरस में 3 संदिग्धों को पकड़ा गया जो अवैध तरीके से आरटीओ ऑफिस में काम कर रहे थे। दरअसल इस औचक निरीक्षण एक्शन के पीछे सीएम योगी की मंशा है कि किसी भी विभाग में करप्शन की जड़ पर वार हो, बिचौलियों और दलालों से जनता को होने वाली परेशानी का समाधान हो और जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई हो। ऐसे में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। औचक निरीक्षण का ये दौर लगातार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
करप्शन के खिलाफ एक्शन की झलक बलिया से लेकर सीतापुर तक देखने को मिल रही है। यह एक्शन पुलिस महकमे में हुआ, जिसमें पुलिस के एक्शन से सीधा संदेश है कि गलत काम करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। तभी तो अवैध वसूली की सूचना पर बलिया में एडीजी वाराणसी के साथ एसटीएफ की टीम ने आधी रात को छापेमारी की और बड़ी कार्रवाई की। खाकी के खिलाफ खाकी की छापेमारी और हुआ बड़ा खुलासा, क्योंकि यूपी बिहार बॉर्डर पर होती थी अवैध वसूली। यूपी बिहार बॉर्डर पर बरिया जिले का यह है नरही थाना। बताते हैं कि मोटे माल के फेर में एसओ साहब ने लूट मचा रखी थी। पैसे लेकर शराब, मवेशी और बालू लदे ट्रकों को बॉर्डर पार कराते थे। इसके लिए बकायदा सबके रेट फिक्स थे। एसओ नरही के इस कांड की सूचना पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंची, फिर तय हुआ इस गलत काम को बंद कराने का काम। इसके लिए पहले रैकी की गई और फिर एडीजी वाराणसी के साथ एसटीएफ की टीम ने आधी रात को छापा मार दिया। वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिस कर्मी उसमें संलिप्त है। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफी लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पैसे लेकर शराब, मवेशी और बालू लदे ट्रकों को बॉर्डर पार करने के मामले में दो पुलिस कर्मियों समेत 18 लोगों को हिरासत में लिया गया। नरही थाना अध्यक्ष तो मौके से ही फरार हो गया, जबकि कोरंटाडी नाम की पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस के एक्शन की बात करें तो एसओ नरही पन्नेलाल सस्पेंड किए गए। एसओ नरही का सरकारी कमरा सीज किया गया। 3 पुलिसकर्मी समेत 16 दलाल गिरफ्तार किए गए। आरोपी 9 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। पकड़े गए 16 दलालों पर भी एफआईआर हुई। अवैध वसूली की रकम भी बरामद की गई। 50 मोबाइल और वसूली रजिस्टर बरामद किए गए। 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल अरेस्ट हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए, और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया, तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से 1 सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और 1 प्राइवेट कर्मी, 1 व्यक्ति थाने पे जो काम करता था वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर भी इसमें लिखी गई है, जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं इनके खिलाफ एफआईआर की गई है। करीब 37,500 रुपये बरामद हुए हैं, 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे। डीआईजी आजमगढ़ ने बताया कि बीते कुछ समय से नरही इलाके के भरौली तिराहे पर यूपी बिहार के एंट्री और एक्सिट पॉइंट पर ट्रकों से अवैध वसूली की सूचना मिल रही थी। इसके बाद एडीजी जोन वाराणसी और मैंने सिविल ड्रेस में यहां की रैकी की, और इसके बाद अच्छे से प्लान करके बुधवार देर रात छापा मारा गया। यानी रात करीब 12 बजे के आसपास हुई इस कार्रवाई से पूरी पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बलिया में डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्णा और एडीजी वाराणसी पीयूष मोडिया ने एक बड़े अभियान को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि सिर्फ नरही थाने के एक पॉइंट से ही पुलिसकर्मी दलालों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर 5 लाख रुपए हर रात कमा रहे थे। बक्सर से खुद प्राइवेट गाड़ी और ट्रक में बैठकर वैभव कृष्णा और पीयूष मोडिया मौके पर पहुंचे थे। नरही थानाध्यक्ष, 1 चौकी इंचार्ज और 3 सिपाही छापेमारी के बाद फरार हैं। अधिकारियों की टीम जब भरौली तिराहे पर पहुंची तो वहां 2 पुलिसकर्मी अवैध वसूली कर रहे थे। टीम ने जब कार्रवाई शुरू की और हिरासत में लिया तो 3 पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए। इसके बाद टीम भरौली तिराहे के आगे कोरंटाडी चौकी पर पहुंची तो यहां भी चौकी के पुलिसकर्मी अवैध वसूली कर रहे थे। इधर सीतापुर में भी पुलिस कप्तान ने खाकी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है।
जहां तस्करी के एक खुलासा हुआ। कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की गई है, जिसमें कमलापुर एसओ से 26 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। थाना कमलापुर के में मेरे द्वारा एक रात्रि का औचक निरीक्षण जो पुलिस अधीक्षक के स्तर से किया जाना होता है वो मेरे द्वारा किया गया था, जिसमें कतिपय कमियां पाई गई। अलग अलग स्तर के जो वहां पर कर्मचारी अधिकारी हैं उनके स्तर पर जो कमियां पाई गई उसके आधार पर कुछ कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। फिलहाल काकी के खिलाफ काकी के इस एक्शन से अड़कम मचा हुआ है। पुलिस के इस एक्शन से एक बड़ा संदेश भी गया है कि गलत काम जो भी करेगा उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, जैसा कि सरकार की मंशा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं बलिया करप्शन मामले में यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। डीजीपी का क्या कहना है यह हम आपको सुनाते हैं। बलिया में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, खुद एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ ने कार्रवाई की। सर, पूरा मामला क्या है, इनपुट कहां से क्या मिला था? जिस तरह से अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है शासन, उसी प्रकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। और कुछ दिन पहले सहारनपुर में भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी, जहां जहां से शिकायतें आ रही हैं और जहां पर विभागीय भ्रष्टाचार की शिकायत है उस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं छापा मारा गया है और 2 पुलिसकर्मी सहित 16 दलाल पकड़े गए हैं और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और अन्य कार्रवाइयां निलंबन इत्यादि की चल रही है। सर, ये भी बताया जा रहा है कि जो थाना इंचार्ज है नरही खेदे, चौकी इंचार्ज है, वो भी सब इन्वॉल्व थे, दलालों के साथ मिलकर पुलिस सिंडिकेट चला रही थी वसूली का। ये सभी चीज़ें वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर गए थे, उन लोगों ने पूछताछ की है और जैसा मैंने बताया कि कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इन चीज़ों को अभी और भी ये और लोगों के लिए नज़ीर होगा और अगर जो नहीं सुधरेंगे उनके विरुद्ध हम और कठोर कार्रवाई करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।